हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। हमारे रुचि इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत है। आज हम एक नई वीडियो के साथ शुरुआत करें। आज हम प्राइमरी इंजेक्शन टेस्ट सीख लेंगे कि प्राइमरी इंजेक्शन टेस्ट कैसे करते हैं। इसका पूरा लाइव में टेस्ट करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है? आप वीडियो में बने रहें। अगर वीडियो हमारा थोड़ा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबा लें ताकि इलेक्ट्रिक से रिलेटिव नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलते रहे, ठीक है? चलो फिर हम स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को, ठीक है? आप देख सकते हैं हमारे साथ में एक किट है, प्राइमरी इंजेक्शन किट है, प्राइमरी इंजेक्शन टेस्ट करने के लिए किट है। ये हमारा एम्पियर का करंट इंक्रीज करने का बटन है, रोटरी स्विच है, ये वोल्ट मीटर का वोल्ट मीटर है, एम्पियर मीटर इसमें शो करेगा कितने एम्पियर तक हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है? करंट उसी हिसाब से हमारा MCC भी ट्रिप हो जाएगा। हम मान लीजिए हमारा कोई भी MCC भी 150 का है, 200 का है, 400 का, उस MCC भी से हम लोग 250% ज़्यादा करंट रखेंगे तो उस टाइम के हिसाब से हमारा ब्रेकर ट्रिप होना चाहिए तो हमारा टेस्ट ओके हो जाएगा, ठीक है? मान लीजिए हमारा 150 एम्पीयर का ब्रेकर है तो उसको हम लोग 250% ज़्यादा रखेंगे, मीन्स हमारा 150 का है तो 300 से ऊपर का ज़्यादा करंट इसको देंगे ब्रेकर को, तो ब्रेकर हमारा वो कुछ टाइम 5 सेकंड 10 सेकंड के अंदर में हमारा ब्रेकर ऑटोमेटिक ट्रिप होना चाहिए, मीन्स हमारा ब्रेकर अच्छा रहेगा, ठीक है, सेफ रहेगा। अभी देखिए इसका केबल कनेक्शन मैं कर रहा हूँ, इसके अंदर एक केबल डाल के इस सीटी के अंदर से घुसा के आप देख सकते हैं, इसके इधर एक हम लोग केबल डालेंगे सीटी के अंदर से घुसा के, और जो हम लोग ब्रेकर टेस्ट कर रहे हैं जिस ब्रेकर का इनपुट में एक फेस में देंगे, ठीक है, ठीक है, दूसरे का उसका आउटपुट से निकाल के ऊपर का ऊपर इनपुट में दिए, ऊपर से निकाल के नीचे के बस पर में देंगे, ठीक है? दोनों ऐसा घूम के सीटी के अंदर से जाकर फिर MCCB के ऊपर से घूम के आगे दूसरा बस पर में लग जाएगा, ठीक है? आप देख सकते हैं डिस्प्ले के ऊपर डायरेक्ट कैसा मैंने कनेक्शन किया है, उसी हिसाब से आप टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है? चलो फिर हम डायरेक्ट अभी स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है? बटन मैंने चालू कर दिया, सप्लाई ऑन कर दिया इसको। इसको सप्लाई ऑन करने के लिए 230 वोल्ट सप्लाई चाहिए हमको, ठीक है, एक किट को ऑन करने के लिए। अभी देखिए मैं करंट इंक्रीज कर रहा हूँ धीरे धीरे इस रोटरी स्विच के थ्रू, इसको मैं ऑन कर दिया, ये टाइमर ऑन कर दिया मैंने, ठीक है? वो टाइम के हिसाब से हमारा ब्रेकर ट्रिप होना चाहिए, ठीक है? तो हमारा ब्रेकर अगर उस टाइम में ट्रिप हो गया तो ब्रेकर हमारा करेक्ट है, अच्छा है, नहीं ट्रिप हुआ तो फिर हमारा ब्रेकर ख़राब है, ठीक है? ये हम लोग ब्रेकर को MCCB को टेस्ट करने के लिए इसको हम लोग प्राइमरी इंजेक्शन के थ्रू हम लोग इस किट के थ्रू हम लोग चेक कर सकते हैं कि हमारा ब्रेकर 400 300 जितने पेयर का उस एम्पेयर से ज़्यादा हम लोग 250% ज़्यादा करंट देंगे तो उस टाइम के हिसाब से 5 सेकंड 10 सेकंड के अंदर से हमारा ब्रेकर वो ट्रिप होना चाहिए, ऑटोमेटिक ट्रिप होना चाहिए, मीन्स हमारा मान लीजिए किधर शॉर्ट सर्किट हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया तो ब्रेकर को हम लोग ज़्यादा का हाई करंट हो रहा है तो उस टाइम में उस कंडीशन में हमारा ब्रेकर ट्रिप होना चाहिए, इसलिए हम लोग इस किट के माध्यम से हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है? देखिए देख सकते हैं ऑलरेडी मैंने करंट बढ़ा दिया हूँ, उसको इंक्रीज किया हूँ, अभी हमारा ट्रिप हो जाएगा, आपके सामने दिखा रहा हूँ लाइव आपको टेस्ट करके, ठीक है? आप देख सकते हैं अभी ये देखिए ट्रिप हो गया आपके सामने, MCCB हमारा ट्रिप हो चुका है, ठीक है? ऐसे हम लोग टेस्ट करते हैं प्राइमरी इंजेक्शन, ठीक है? इसके साथ इसको टेस्ट करने के लिए हमको एक किट चाहिए, ये आप देख सकते हैं डिस्प्ले के ऊपर। इस किट के माध्यम से हम लोग कोई भी ब्रेकर MCCB को हम लोग टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसको टेस्ट करने के लिए हमको मान लीजिए जितने एम्पियर का हमारा ब्रेकर है MCCB है उससे हम लोग 250% मतलब 250% ज़्यादा करंट देंगे तो उस कंडीशन में आपको कुछ टाइम रहेगा 5 सेकंड 10 सेकंड वो के रेटिंग के हिसाब से, आप उसके हिसाब से टाइम रहेगा तो वो ट्रिप हो जाएगा, ठीक है? आई होप मेरे वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें कमेंट करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबा लें, ओके? चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक के साथ में, थैंक यू।